तुम लोग जानते हो थाना कहाँ क्या है? अब पढ़े लिखे नहीं हो तो का जानो थाना कहाँ क्या है? ये थाना है पिसावा, आई एम चौकीदार। ओ जेल खनवा मामोरी ससुराल अकाल तिमो भौनी, सारे सिपाही हमरे सलेना करती है, सारे सिपाही हमरे सलेना करती है, ससुराल ला गई को बाल अदालत में भौरी भैरी के लिखनवा। एक वंश गाना कर दे भौसड़ी, एक वंश गाना कर दे जेल खनवा मामोर ससुराल आगे की घड़ी अदालत में भौरी भाई, और आगे सारे सिपाही हमरे साले लगते हैं। तो हम तुम्हारे साले लग रहे हैं वो? नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे साले हैं। साहब समझ नहीं पाए, समझाइए साहब। ये उस समय की बात है जब कंस राजा ने अपने पहलवान वसुदेव को कारागार में डाला था। तो वसुदेव जी ये कारागार रहे थे जेल खनवा मामोर ससुराल अदालत में भौरी भाई, सारे सिपाही यानी जितने कर्मचारी वहां के थे सब वसुदेव जी के साले लग रहे थे। अब तेरी बात हमारे समझ में आ गई। ये कौन है समझता रे? हम सब अंग्रेजी में हंसते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, भोड़ की अंग्रेजी में हंसते लगा के। यहाँ का कौन है रे? चौकीदार। चौकीदार चौकीदार तुम्ही हो? जी जी ने बहनी भा सड़ी, हम तुम्हारी जी जी है। नहीं नहीं, हम तुम्हारी जी जी है, पटक पटक मारेंगे तेल लगा के। सारी साहब सारी ने तो लाइन भा सड़ी, नहीं हम तुम्हारी साली है। तो यहाँ का चौकीदार है, तेरे को बात करने की अकल नहीं तेल लगा के? कोई बात का हुई सर? चौकीदार यस सर। इस बिरादरी का है साहब? पसिया हन पसिया तेरे की। हम जो थाने में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, हमको जो चौकीदार मिलता है वो पासी मिलता है। साहब ये नौकरी पासी लोगों की होती है। इसका तो चौकीदारी की नौकरी पासी बिरादर की होती है। यस यस। अभी हमारे नाम से तुम वाकिफ नहीं हो। हमारा नाम सुन के चोर बदमाश गुंडे गांव छोड़कर शहर को भाग जाते तेल लगा कर उसे चलाने। चौकीदार जी साहब पासी हो? जीप जीप ने मोटरसाइकिल पास जी नहीं बोल पाते, जीप बता रहे हो? हाँ साहब पसिया पासी हो? यस सर। तो कौन पासी हो तुम? साहब हम निर्बंसी पासी हैं। ये निर्बंसी कौन होते रे? ना साहब राजबंसी अरबरम निकल। तो राजबंसी को तुम निर्बंसी बता रहे हो? मोड़ दे लगा के अरबरम निकल। क्या बात है, जो भी बात करो सुलझे दिमाग में बात करो, समझे? यस सर। तो राजबंसी पासी हो? यस सर। ये चौकीदारी कत दिन से कर रहे हो? चौकीदारी करत हो गए हमका 90 साल। कते दिन हो गए? 90 साल। यस सर। और तेरी उम्र कितनी होगी? 26 साल। पटक पटक मारेंगे भोर के तेल लगा के। तेरी उम्र 26 साल की, नौकरी 90 साल की। साहब आप समझ नहीं पाओ, आदमी है पहुंचो। क्यों साहब समझ नहीं पाओ? समझाइए साहब। पहले हमारे बाबा करते रहे ड्यूटी। ड्यूटी के नाम लो भोड़ी के लो बाबा करते रहे। जब बाबा रिटायर हो गए तो बप्पा करे लगा चौकीदारी। तो ऐसे बता साले बप्पा करेला। और जब बप्पा रिटायर हो गए तो ई करेला। ई का मतलब यानी हम? तो ऐसे बताओ कि हम करेला गए साले करे ई करेला। तेरे को बात करने की अकल नहीं तेल लगा के? तो सब तो जब से तुम्हारे घर में चौकीदारी आई है तब से बता रहे हो। यस यस। सुधार जाओगे क्योंकि अभी हमारे नाम से वाकिफ नहीं हो। चौकीदार यस सर। पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब हमारा 3 नाम है, धरुआ डगरुआ असली। बोले ये धरुआ डगरुआ घर में रखो, असली नाम बताओ थाने में। असली नाम साहब हमारा है जीजा। कहा बताओ? असली नाम साहब हमारा है जीजा। जीजा यस सर। अब तुमको हम जीजा कहीं? साहब नाव है तो कहीं बेकरी हो। कहीं चाय मंगाना है, कहीं पानी मंगाना है, कहीं बिस्कुट मंगाना है जी सब। तो हम तुमसे कई बार जीजा चाय लाया।
जब ना हो तो कहबे करी हो करे इतने जीजा नाम कैसे पड़ा साहब जीजा नाम इत्ता परगा ऐसे हमरे बुआ के 6-7 लड़का भई तोरी अम्मा ना के कुमार के चाक हो कहे कसाब इकट्ठे छोरे ना पैदा भेल हम कोई इकट्ठे नहीं घर भरे सब मरी गए हम कैसे बच गए साहब वो है बताई जब हमरी बुआ हमरे प्याटे आई का रे तोरी बुआ तोरे प्याटे आ गई नहीं साहब जब बुआ करे हम प्याटे आए तो इससे बता भांसड़ी के साहब या काकी लगती है धसमा लगाती है डेंडा टेके के चलती है आई गई अच्छा काला की बड़को अब की इका लियो तू बेच हमारी बुआ हमका पसेरी भर जवन प्याटे में बेच रही टटका के जी साहब गांव में रोज टटका करे लगती साहब जब धीरे धीरे टाइम आवा तो हमारी बुआ मारी कोठरी मेली घूमे मारी मेली घूमे हम नहीं पैदा भए तो का देखत रहो नहीं साहब बुआ बतौती रहे हम का झांकत रहो सब बप्पा आ गए अच्छा बोगले का अस्पताल पहुंच गए 4-6 समय में आ गए अच्छा पकड़ के बुआ करे ठोके दी अरे सुई और सुई के नाम ले भमड़ी बता रहे बुआ करे ठोके दी उसका बात करने की कब कल आएगी तेल लगा के कैसा चौकीदार है तब होना पैदा भए कैसे पैदा भए 4 समय में आई तू बुआ पकड़े तू हमका पकड़े खाई के रही अब तो तेरा नाम खंचुआ रखना चाहिए था साहब सब रिश्तेदारी में खबर हो गए 12 मौसी हमारी अरे माय गॉड सब मौसी हमारी आई अच्छा एक दिन छटकैया मौसी नहावे तेल काजल लगाए पलका पर पहुरार दे अच्छा जस मौसी हमारी बार देखे मौसुआ टप दे आंखें मार दे कते दिन के रहा सब हफ्ता भर हफ्ते भर मौसी आंखें मारे लग रहा है साहब बुआ बतौती रहे ऐसा तो तुम लगी रहे हो साहब हमारी मझली मौसी उठी अच्छा अपन बारी सीना ठोकई लागी काहे कहन हाय बरिगा होए हमारी जीजी के नसीब खराब कते नीके नीके मोटे मोटे लड़का होत सब मरी मर जात हमारे गाल पर एक टप्पद मन कर मरी गे सब तो मरी मर जात तो हे जीजा साहब वह देते हमार नौ परिगा जीजा देख लो इसके मौसी ने भगवान से दुआ मांगा कि हमारी बहन के सब लड़का मन मर जात मर गए तो हे जीजा और तुमने अपना नाम रख लिया जीजा तुम्हें दिक्कत का है गुस्सा का है परिचय पत्र पर तो जीजा आधार कार्ड पर तो जीजा राशन कार्ड पर तो जीजा बैंक मैनेजर तो हमका जीजा कहा तुम तो सारे भारत देश के जीजा हो बांसुरी के पटक पटक मारेंगे तेल लगा के क्यों रे जी सब पहले ये बता तुम अभी हमारे नाम से वाकिफ तो हो नहीं क्यों साहब और हमारा नाम सुन के चोर बदमाश गुंडे गांव छोड़कर शहर का रिक्शा चलाने भाग गए थे समझे साहब एक बात पूछने को सही हो तो दूसरा नाम बता तेरा दूसरा नाम क्या है दूसरा नाम बता कि जीजा वाला नाम आज के बाद थाने में नहीं रहेगा तो दूसरा नाम सुनो दूसरा क्या है गणपति राय कौन गणपत रहा है कहीं की हिम्मत है कहीं की हिम्मत है मैं तुम्हें बता दूं गड़गड़ रहा तो कहीं तो है कहीं की हिम्मत है गणपति राय गाण पड़ रहा है नहीं मूड चिटक रहा है मूड चिटक रहा है का बता रहा है गणपति राय गणपति राय जी साहब हम संडे कह रहे हो गड़गड़ रहा है तो कहीं तो है कहीं की हिम्मत है कहीं की हिम्मत ये ना तुम्हारा ठीक है ये चौकीदार तुम्हारा नाम ठीक है आज के बाद गणपत राय ही तुम्हारा नाम थाने के अंदर रहेगा ठीक है साहब एक बात पूछने को सही हो तो नहीं क्या बोलना चाहते बोलिए साहब हमार नहीं लेओ अपन नहीं देओ अरे साहब पर्चा कहे क्या नहीं पर्चे 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 तो इसे बता साहब अपने पर्चे बताइए साले कह रहे हमार नहीं ले भास पटक पटक मारे के तेल लगा के तेरे को बात करने की अकल नहीं कहे साहब हमारा नाम नहीं जानते हो हमरा नाम है अर्रा बोर हवलदार अरे अरे इसको क्या हो गया तेल लगा के अर्रा तोर होलदार होलदार ने गड्ढा दार बांसुरी के अर्रा बोर हवलदार और तोड़े अर्रा बोर जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े साहब एक बात पूछेंगे सही होता क्या बोलिएगा साहब आप कहां से आ रहे हैं रामगढ़ से अब क्या हो गया साहब हम गढ़िया हैं हम गढ़िया नहीं नहीं हम गढ़िया हैं साहब आप समझ नहीं पाए समझाइए साहब जैसे कोई कानपुर से आता कहता कानपुरिया है लखनऊ से आता कहता लखनऊआ है सहजहानपुर से आता सहजहानपुरिया लखीमपुर से आता लखीमपुरिया आप रामगढ़ से तो रामगढ़िया फिर वही जवान तो नहीं निकली गढ़िया कोई साले अधिकारी थाने में आएगा तो बताओगे हवालदार गढ़िया तो हमारी बदनामी करेगा तेल लगा के
कहो ये साहब रामगढ़ वाले हैं, ये साहब गढ़ वाले हैं, गढ़ वाले ने गुच्छा वाले भाव। अरे बात करने की अकल नहीं ते लगा, कैसे कैसे चौकीदार से मुलाकात हो जाती है। चौकीदार यस सर, बड़े साहब है नहीं है साहब, एक बात पूछने को सेहत क्या बोलिएगा साहब, ये कौन महीना चल रहा है? ये है चैत, चैत अमावस हो गई, अमावस तो हो गई, तो का यहो पंद्रहिया पूरी ले लिया हो, मतलब समझे नहीं। तुमको हम का भी देगा ताले, तुमको हम लड़कौरा साबित हो रहे हो, ये हमारी सेहत है, सेहत ओ समझ गए लिया साहब, तेरे साहत है, साहत नहीं बर्दत है, तेरे को बात करने के कल नहीं बांसुरी के सेहत नहीं जानते हो। अरे साले बाटी है बाटी, समझ गए साहब, आप बाटी लगावते हो, बाटी ने चड्ढी लगाई तेरे भाँस, बाटी नहीं जानते हो, तंदुरुस्ती रे तंदुरुस्ती। साहब ये कैसे बनी, कैसे बनी जी साहब? सुबह उठ के 20 लीटर मट्ठा पीते हैं, 5 बजे का गोश्त खाते हैं, 20 अंडे का आमलेट खाते हैं, तब हमारा पूरा पेट एकदम फुल हो जाता तेल लगा के। तो साहब पांचों मुर्गा हम तैयार करते हैं, ये कोई तालाब है घोड़ी तेल लगा के, तो कोई तालाब है बड़े साहब आएंगे रवानगी पे, रवानगी पे यस सर। तो तुम ये काम करो, करवाओ पेंट छोरी, पेंट छोरी नेहरी भाड़ी के तेल लगा के साहब नेहर जाओ तो मजा आ जाएगी। अरे चौकीदार है कि दुनिया के बवाल है? चौकीदार जी साहब अभी हमारे नाम से वाकिफ नहीं हो क्यों साहब? हम गर्री पे चढ़ा के इतनी पिटाई करते हैं, मारते मारते गोस्ताबान कर देते तेल लगा के, समझे? हमसे बात करना समझे थे क्योंकि हमारा नाम से तुम वाकिफ नहीं हो। चौकीदार बड़े साहब दीवानगी पे है, तुम थाने में अकेले हो तो हमारा दिल बहलाओ, दिल का कोई रंडी वंडी है ना? चौकीदार अगर हमारा दिल बहलाएगा हमसे हाथ मिलाकर ड्यूटी करेगा तो साहब हम बड़े साहब से कहकर तुम्हारी बढ़वा देंगे। बहिनी की बुरी नौकरी, यह ले नौकरी, हमका नौकरी ना चाहिए, हमारी जतनी है, हमका वतने में आराम है, हम बढ़ोई बनाई का रे। अरे बड़े साहब से कहकर तेरी तनख्वाह बढ़वा देंगे तनख्वाह। अरे घबरा रहा तेल लगा के, इसको कैसे समझाए बात करने के, कल तो है नहीं तेल लगा कई साहब, कैसे का बढ़वा दे हो, तेरी तनख्वाह बढ़वा देंगे तनख्वाह। जरा मेरे को कोई मनोरंजन सुना, मनोहर आ रहा है मंजन समय साझ लेकर चले गए। अरे मनोहर की बात नहीं कहता, मेरा दिल बहला कुछ सुना साहब, क्या बात है? क्या बात है बड़े साहब, देखे रहो ना आइए बड़े साहब, तुम मरवावे लगे हो, मरवावे हम लाग लाग साहब, बड़े साहब मारे लगे थे, बड़े साहब को बड़े साहब मारे लगे, तो बड़े साहब को हम समझा देंगे। कैसे बात करता रे? तो साहब बैठो ई पर, ई पर सुर्खी, सुर्खी नहीं कुर्सी पर साहब। तो कहो साहब कुर्सी पर बैठो, कहते भोड़ी ई पर बैठो, बटा मारेंगे तेल लगा के, कहो कुर्सी पर बैठो। हां साहब पधाइए, पधाइए ना हवाइए, बताओ हां साहब कहो पधारिए। वहाँ 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 नहीं, तुम्हारे वहम डंडा डाल के नीम सर के 17 परिक्रमा कराएंगे, क्योंकि हमारा नाम अर्रा बुरहवलदार है। साथ देखे रहे हो, साथ देखे रहे हो, ओ जो बन तार बाके
यहाँ ये आई लव यू क्या होता है? आई लव यू का मतलब हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हो रहा था ये सब थाने के अंदर? मनोरंजन हो रहा था। मनोरंजन थाने के अंदर? अरे साहब ये अपना चौकीदार है, बहुत अच्छा मनोरंजन सुनाता, इसके मुखारविंद से मनोरंजन सुनने के साथ आपके शरीर की पूरी थकावट दूर हो जाएगी। तो तुम यहाँ थाने में थकावट दूर कर रहे थे? अरे साहब अच्छा मनोरंजन सुनाता है, तबीयत खुश हो जाती है, एकदम हरी हो जाती है। चौकीदार कौन सा मनोरंजन हो रहा था? वही मनोरंजन सुनाओ, चलो नहीं मारूंगा। सुना दे। सुना दीपा उधर रहे छुट्टी चुप्पे घर रही चले जाइए वहा। ओ जो बने तो आ रहा बात साहब, या गाना के लाइन है बाके, हाय बाके बारी धन्ना तो ये सब थाने के अंदर मनोरंजन हो रहे थे। आज के बाद थाने के अंदर कोई भी मनोरंजन नहीं होना चाहिए। नहीं, आज के बाद कोई भी मनोरंजन नहीं होना चाहिए। जाओ जीडी फाइल लेकर के आओ। चौकीदार सामने आइए, बड़े साहब का कहना है चले जाओ ऑफिस। माचिस माचिस ने साले दिया सलाई, ऑफिस को जाओ, ऑफिस से जीडी फाइल उठा लाओ। का जीजी फेल होने बुला नहीं, जीजी ने बहनी बुला ला वहां सर। जीडी फाइल नहीं जानते हो? रजिस्टर हीटर नहीं भट्टी। अरे साले रजिस्टर नहीं जानते हो, जिसपे रिपोर्ट लिखी जाती है। अच्छा जी पर रिपोर्ट लिखी जाती है? रिपोर्ट नहीं बकवाद। अरे जिसपे रिपोर्ट लिखा पड़ी होती है लिखा पड़ी। तो इसे बताओ कैसे 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 चौकीदारों से बात करने की अकल नहीं। चौकीदार है दुनिया का बवाल है, रजिस्टर लेने जाने में घंटा भर समझाना पड़ता है कि रजिस्टर कैसे लाया जाए, कैसे क्या करता है। आप दही दो जाए हम दही दे दें आप ही उसे देते हैं। रजिस्टर के नाम हम है, आप दे दो हम डराते हैं। तुम डरते हो हम नहीं डरते, लगे हम दे देंगे। हम कोई भी अधिकारी के लिए ओ मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ माननी बोली, चली आई हूँ अकेली। चमेली मैं हूं मालन आजी, तेरी यही गलती तो क्या गलती हमारी है? यह जो चाबेद साउंड सर्विस वाले हैं तो इनकी दुकान आप थाने के सामने है, जब आपको ऑफिस में बैठे देखते हैं बजाने लगते हैं, और जब बजाने लगे तो हमारा मन नहीं मानता। मैं मनाऊंगा चौल आज के बाद अगर थाने के अंदर ऐसा हुआ तो समझ लो खाल खींच के रख दूंगा। और कोई थाने में शिकायत तो नहीं है? नो सर।
सर जो शख्स यहाँ रिपोर्ट लिखाने आता है हमारे बड़े साहब उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। अगर रिपोर्ट लिखा के आओ तब यहाँ पे आओ। यस सर। दरअसल बात है आजकल बवाल लेके इतने लोग बवाल लेके थाने आते हैं, कहीं चोरी का झगड़ा, कहीं सोरी का झगड़ा, कहीं नाली का झगड़ा, कहीं साली का झगड़ा, एक से एक बवाल लेके आते हैं। कोई कहता सर फट गया, कोई कहता हड्डी टूट गई, कोई कहता पसली टूट गई, कोई कहता हाथ टूट गया, कोई कहता पैर टूट गया। हम कहते हैं पहले अस्पताल जाइए, अस्पताल से डॉक्टरी रिपोर्ट लाइए, जिस हिसाब से तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट होगी उसी हिसाब से तुम्हारा मुकदमा हम बना देंगे। वकील हो, जज हो, तो चुप। सबसे पहले जो थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, लिखाने के लिए आता है, तू हॉस्पिटल भेज देता है, थाने में रिपोर्ट नहीं लिख पाता है। पहले डॉक्टर रिपोर्ट लेता है, क्यों? मुकदमा बनाने के लिए। नहीं हवलदार, जो थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है सबसे पहले थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है। अगर उसका कोई अंग टूटा है या हड्डी फ्रैक्चर है तब उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल से जिस प्रकार की रिपोर्ट मिलती है वैसा मुकदमा तैयार किया जाता है। सर तो फिर आपकी आज की गलती माफ की जाए, आज के बाद थाने में जो भी रिपोर्ट लिखाने आएगा पहले हम थाने में रिपोर्ट लिख लेंगे, उसके बाद अस्पताल भेजेंगे। सबसे पहले थाने में रिपोर्ट लिखोगे? थाने में ही लिखेंगे। समझ के देख रहा हूँ, ये फाइल का जो भी पन्ना पलट कर देख रहा हूँ, क्या तू कैसे गिरफ्तार चल हुआ? आप ये डाकू कहर सिंह कोई मामूली डाकू नहीं है, इसके ग्रह में कम से कम 40-45 आदमी हैं, बहुत खूंखार डाकू हैं, बहुत तहलका मचा रखे हैं। हम पुलिस वालों जवानों की कमी होने के नाते हम लोग पकड़ने में जाते हैं साहब, लेकिन पकड़ने में हम लोग नाकाम हो जाते हैं। नहीं हवलदार। यस सर। डाकू कहर सिंह इस इलाके का इतना माना हुआ डाकू, जो कि अपना आतंक मचा रखा है और उसके खौफ से यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है। अगर डाकू कहर सिंह के इसी तरह से आतंक मचते रहे तो यहाँ की जनता का पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा, जो है पुलिस डाकू पर कोई ध्यान नहीं देती है और डाकू आशात रहते हैं। नहीं हवलदार, इसलिए तुम लोग हमारी पांच चरण से सुनो, हवलदार और चौकीदार तुम ऐसे डाकू और को आजाद रखना नहीं। ऐसे डाकू को आजाद रखना नहीं, सांप के जहर बच्चे की फुफकार है, क्रोह डाकू का किस्मत और फंस जाएगा सबके खातिर गवर्नमेंट। सर सर से नहीं चाहिए रहेगा तो गिरफ्तार कर हुआ लगा तो और सर से सर अपना खम रहेगा और जिले में कोहराम चावेगा।
बाछी पुलिस के दांतों पे दम। इसलिए हवलदार और चौकीदार आज तुम सब हमारे साथ चलो, आज कोई भी डाके छिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गए? चलो बड़ा हो पाएगा। और कही है जमीदार साहब, आज अचानक और हमारे थाने में आई आइए तशरीफ किए, देखो आज हमारे थाने को जमीदार साहब मुलाकात करने के लिए आए हैं। तुम जाओ गर्मा गर्म कॉफी बनवा के लाओ। जाओ जाओ जाओ। तू तो बता रहा है। चप चप। हमका लागत है ईद योजने के मरी है। क्या रे भूख चप चप। भूख का नाम नहीं ले पाते हो क्या? आज जमीदार साहब की आज कुछ खाने पीने का मन नहीं है। लेकिन नहीं जमीदार साहब, जब कभी मैं आपकी हवेली को जाता था या आप हमारे थाने को आते थे तो साथ में सब कुछ बैठ कर खाते पीते थे, और आज आप कह रहे हैं कि कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। नहीं चौकीदार, तुम यहाँ देखो, जब कोई भी मेहमान यहाँ आते थे आता है, अगर साथ में बैठ कर खाता पीता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। यस सर, ठीक है ना? जाओ तुम जमीदार साहब को पहले सिगरेट पिलाओ। चलो अचानक आने का कारण है इंस्पेक्टर साहब। हेलो, अचानक आने का कारण है इंस्पेक्टर साहब की प्यासा कुएं के पास जाता है और प्यासे के पास चलकर नहीं जाता है। हेलो हेलो, एक दिन का जिक्र है इंस्पेक्टर साहब कि हम अपने गांव निरहन में टहल रहे थे तो हमारे ही गांव में एक सोनम नाम की लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखते ही देखते सोनम के ऊपर हमारा दिल आ गया। ये तो नहीं सो की सो होती। राइट, बिल्कुल सही कहा दीवान जी। देखते ही देखते सोनम के ऊपर जब हमारा दिल आ गया तो वहां से चुपचाप चले आए अपने यार छबीले मस्ताना से, कहा कि जाओ एक रात के लिए सोनम को बुला करके हमेली में लाओ। जी हाँ, हमारे यार छबीले मस्ताना ने वहां से तुरंत आया और सोनम से कहा कि सोनम अपने अच्छे अच्छे कपड़े चेंज कर लो, अच्छा मेकअप कर लो, एक रात के लिए चली चलो, हमारे ठाकुर साहब का दिल बहला दो। लेकिन सोनम को साथ में आना तो दूर रहा, निकाला पैर से जूतियां, दो चार दस जूतियां हमारे यार के चांद पर मारा। मस्ताना ने आकर के तुरंत जब मुझसे बताया, उस वक्त साहब हम बम्पर शराब पिए बैठे थे, बम्पर शराब पिए बैठे थे, गुस्सा लगा और गुस्से में जाकर के सोनम को पकड़ लिया। जब सोनम को पकड़ लिया तो हमारे गांव का एक निहायत गरीब लड़का जिसका नाम था दीपक, दीपक ने आकर के हमारे हाथ से सोनम को छीन लिया। सोनम को जब छीन लिया क्या? बिल्कुल सही कहा। यही तो करना नहीं चाहते थे इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए आपके पास आए हैं। कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसी परामर्श और कोई ऐसी कानून निकालो और बताइए कि दीपक चला जाए जेल और दीपक और सोनम में नफरत पैदा हो जाए और हमरे को सोनम का प्यार मुझे मिल जाए।
बताया कि मैं तुम्हें कोई ऐसी तरकीब और ऐसा मसला दूं कि जिससे दीपक जो है वो सलाखों के पीछे हो और तुम्हें सोनम का प्यार मिल जाए। जी हाँ, लेकिन जमीदार साहब बोलो, कहना तो नहीं चाहिए, मजबूरी में कहना तो पड़ता ही है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या? बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर साहब कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, आपका कहना भी सत्य है। अगर मैं कोई तरकीब या कोई मशवरा तुम्हें दूं तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? पूरा पूरा 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख इतने छोटे